या वॉट इट इज़ ये है क्या और इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं right? राइट तो वाई आई मस्ट लर्न डिजाइन पैटर्न हमें क्यों सीखना चाहिए द आंसर टू दिस इज दिस थ्री पॉइंट्स वन इज स्पीड सेकेंड वन इज सोल्यूशन थर्ड वन इज कम्युनिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की तो इट इंक्रीज इट स्पीड अप ये प्रोजेक्ट बनाने की स्पीड बढ़ाता है राइट right? कैसे बिकॉज फर्स्ट थिंग बेस्ड ऑन द कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन मीन्स कॉम्युनिकेशन बिटवीन अ टीम बिटवीन द टीम मेम्बर्स द रीज़न बींग जो डिज़ाइन पैटर्न हैं वो फिक्स हैं फिक्स टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं फिक्सड सोल्यूशन बेस्ड हैं राइट तो अगर हम किसी से भी बात करते हैं टीम में तो उससे क्या होता है सामने वाले को समझ आ जाता है राइट कि हम कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ये वाला डिज़ाइन पैटर्न तो ऑटोमेटिकली That concept is inside the mentality of the person, right? Another thing, solution, they are not fixed, or if I says they are based, they are solution specific, right? अगर मैं बोलता हूँ मुझे किसी क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट ही बनाना है इज नट पॉसिबल बेस्ड फॉर आवर नॉलेज जो हमने C++ या जावा या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सीखा है तो हम क्या बोलते हैं ऐसा करने के लिए हम एक क्लास बनाए और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए बन जाता है या एब्सट्रैक्ट क्लास बनाए उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता राइट बट वट आई वॉन्ट मैं ऐसी क्लास चाहता हूँ जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सके दैट इज़ पॉसिबल दैट यू विल अंडरस्टैंड वेन एवर वी विल गो फॉर द डिटेल ऑफ द वन ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न राइट तो आई थिंक वाई का मीनिंग क्लियर हो गया इट्स स्पीड्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इट्स स्पीड्स ऑफ द

कॉमनली occurring प्रॉब्लम in सॉफ्टवेयर डिजाइन तो है क्या ये क्या डिज़ाइन पैटर्न कोडिंग में यूज होता है यूज होता है क्या कोडिंग का solution है नहीं ये क्या है ये सोल्यूशन है विच इज रिक्वायर्ड एट द डिजाइन लेवल दैट मीन्स वंस यू गेट द रिक्वायरमेंट आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई अब आप आपको डिजाइन बनाना है देन वी विल गो फॉर द कोडिंग तो ऐट द लेवल ऑफ द डिजाइन इट सेल्फ वी मेक द इज ऑफ डिजाइन पैटर्न लेकिन यह है क्या डिजाइन पैटर्न इज अ जनरल रिपीटेबल सॉल्यूशन टू अ कॉमनली आकरिंग प्रॉब्लम यहां पे क्वेश्चन उठता है लेट्स से वी आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोजेक्ट राइट डू वी नीड अ डिजाइन पैटर्न क्या हमें डिजाइन पैटर्न की जरूरत है येस और नो अगर मैं ये कि वो प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व हो रही है देन वी कैन नॉट थिंक ऑफ दिस हम इस चीज को सोच ही नहीं सकते रिपीटेबल सोल्यूशंस हाँ अगर उस तरह की प्रॉब्लम अब से पहले बहुत बार सॉल्व हुई है तो उसके लिए क्या है एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है तो उसके लिए क्या है एक रिपीटेबल सोल्यूशन तो डिजाइन पैटर्न इज अ जनरल रिपीटेबल सोल्यूशन टू अ कॉमनली अक्रिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिजाइन तो एक तरह के प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं या yeah, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें अगेन आई विल गो फॉर द सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन कि मुझे उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँ आई विल गो फॉर वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न राइट ऑफकोर्स आई विल गो फॉर इट्स नेम दे टन राइट तो एक डिज़ाइन पैटर्न एक फिक्स यूज कर लूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बार बार उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जगह मैं एक सिंगल टन क्लास सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न यूज करूँ और उसको उसी को ही बार बार एक प्रॉपर वे में यूज कर लें जिसको हम आने वाले वीडियोज में क्लियर करेंगे राइट? डिजाइन पैटर्न इज नॉट अ फिनिश्ड डिजाइन सो वट इट इज डिजाइन पैटर्न एक फिनिश्ड डिजाइन de नहीं है फिनिश्ड डिजाइन मतलब यू कैनोट से इट इज फाइनल यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू यमेंट इसको आपको अपने हिसाब से यूज करना पड़ता है राइट right? ये कोई एज ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज उठाया और उठा के कोडिंग करा और आपका प्रोजेक्ट बन गया नहीं राइट यू कैन थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट डिजाइन पैटर्न एज वेल एज यू कैन थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट दैट मेक द इज ऑफ मोर देन वन और मल्टीपल डिजाइन पैटर्नस राइट इट इज अ डिस्क्रिप्शन और टेम्पलेट फॉर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट कैन बी यूज इन मेनी डिफरेंट सिचुएशंस अब हमारे पास बहुत तरह की सोल्यूशंस या बहुत तरह की प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत तरह के सब प्रॉब्लम हो सकती है उन सारों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम अलग अलग डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं राइट आई होप वट इज क्लियर नो डिजाइन पैटर्न आर ऑफ थ्री टाइप वन इज क्रिएशनल स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल राइट तो अगर हम एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं देन व्हाट क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न मींस, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न आर अबाउट क्लास इंस्टानिफरेंट कैटेगरीज वन इज क्लास क्रिएशनल सेकेंड इज ऑब्जेक्ट क्रिएशनल पैटर्न राइट वट इन क्रिएशनल एज दिस वर्ड्स इज अबाउट क्लास इंस्टांसिएशन क्लास शुरू करने के लिए इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट राइट इट्स साइड इफेक्ट्स आर दैट आर दे आर इन द ऑब्जेक्ट क्रिएशनल और क्लास क्रिएशन राइट बट दे आर द साइड इफेक्ट नाउ इफ इट्स इज अबाउट क्लास इंस्टांशिएशन मतलब क्लास बनाने के लिए या क्लास का यूज करने के लिए दिस क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न आर देयर क्लास क्रिएशनल पैटर्नस यूज इनहेरिटेंस इफेक्टिवली while the object creation pattern use the delegation effectively. What is the meaning of delegation? That means future uses, further uses, they will be used in future, right or we will get their solution later on. These are some of the example of the creational design pattern. First is singleton, yes I have already said to you, the SE class. जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है हमें राइट right? तो दैट फीचर इज देयर हेल्प ऑफ द सिंगल टन नेक्स्ट इफ आई गो फॉर द प्रोटोटाइप दैट इज़ अनदर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न प्रोटोटाइप इफ आई से मोस्ट ऑफ यू वाइट बी अवेयर ऑफ क्लास टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस और जेनरिक क्लासेस इन java right so if i say what they are they are the class they are the class using which we can think of multiple classes they differ in their features only their structure is same so for that the prototype design pattern can be the named another one is the abstract factory then the factory of course i will go for their detail based upon द फीडबैक गिवन बाई यू राइट जैसा अगर आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से मैं आगे इनका डिटेल करूंगा सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न स्ट्रक्चर इफ आई गो फॉर द स्ट्रक्चर राइट इफ आई सेज Whatever is written here, whatever is contained in this, it is immaterial from where it is coming, whether it is coming from inheritance or it is coming from uh, delegation, whatever it is. So, what I will call it is a structure. Right? Whenever we talk about the behavior, behavior we are talking about, So, let us say. वन फंक्शन इज देयर इसकी फंक्शनैलिटी क्या करती है और अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है दो ऑब्जेक्ट हैं कोर्स इसके अंदर एक फंक्शन है इसके अंदर भी एक फंक्शन है लेट्स से इट इज स्पीकिंग एंड इट इज लिसनिंग राइट तो अगर हम बोलें कि यहां पे जो फंक्शन है स्पीकिंग है कुछ कर रहा है उसके बेस पे यहां पे क्या हो रहा है लिसनिंग हो रहा है जिसके कारण क्या होता है इसकी फंक्शनलिटी में या इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है राइट राइट स्ट्रक्चरल एज वेल एज बिहेवियर स्ट्रक्चर मींस दिस एंड बिहेवियर मीन्स वेन एवर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंट्रैक्ट या बिहेवियर पैटर्न आर दोज पैटर्न जस्ट लिसन जस्ट सी लेट्स गो फॉर दिहेवियर एज वेल ओके सॉरी बाई मिस्टेक स्ट्रक्चर इज देयर बिहेवियर डिजाइन पैटर्न आर ऑल अबाउट क्लास ऑब्जेक्ट्स कॉम्युनिकेशन राइट एंड हाउ द ऑब्जेक्ट्स कॉम्युनिकेट दे कॉम्युनिकेट विद दी हेल्प ऑफ द फंक्शंस दे कॉम्युनिकेट विद दी हेल्प ऑफ द फंक्शनैलिटीज जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि यस मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो मेरी फंक्शनैलिटी क्या है बोलना वन ओम द माई फंक्शन दैट इज स्पीकिंग दैट इज़ वर्किंग आपकी फंक्शनैलिटी क्या है सुनना लिसनिंग एंड बेस्ड ऑन देट वट इज़ हैपनिंग यूर फीचर्स दैट आर इनसाइड यू दैट इज इम्प्रूविंग लेट्स से आई एम टीचिंग डिजाइन पैटर्न मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को आता बहुत कुछ है लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी डिज़ाइन पैटर्न तो मैं जो बोलूँगा वो डिजाइन पैटर्न बेस्ड या डिजाइन पैटर्न के कॉन्सेप्ट बात करूंगा और अब आप क्या करोगे जो सुन रहे हो यू विल कंसनट्रेट ओनली ऑन द डिज़ाइन पैटर्न और उसके बेस पर क्या होगा यू विल इंप्रूव योर आई क्यू राइट तो बिहेवियर मीन्स विच डील विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स कॉम्युनिकेशन बिहेवियर पैटर्न आर दो पैटर्न दैट आर मोस्ट स्पेसिफिकली कंसर्न विद कॉम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आई होप दिस इज क्लियर एज वेथ नाउ इफ आई गो फॉर द स्ट्रक्चरल येस स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न यूज इनहेरिटेंस right structural object patterns defines way to compose objects to obtain new functionalities right so it is all about defining it is all about creating the structure it is not related to the functionality of them right it does not relate to the interaction or communication between them right the example of structural design pattern are this some of these some of them are this and one is adapter bridge, composite decorator

उसके बाद क्या करो उस तार को आप टी वी में लगाओ फ्रिज में लगाओ इन्वर्टर में लगाओ जिससे मर्जी लगाओ इट इज़ गिविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट राइट सेम इज़ द फीचर इन प्रोजेक्ट्स वेन एवर वी नीड सम ऑफ द फंक्शनैलिटी जब हमें ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँ लेट से मेरे पास क्या है प्रोजेक्ट में मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे क्या करना है मल्टीपल तरीके से पेमेंट लेना है राइट दैट पेमेंट कैन बी यूजिंग वन गेट वे अनादर गेट वे और दैट कैन बी यूजिंग फिजिकल फॉर्मेट एज वेल ऑफ कोर्स यूजिंग द चलान यू कैन गो फॉर ऑन द टॉप आई विल प्रोवाइड आई विल गो फॉर ओनली वन फंक्शनैलिटी पे बट इनसाइड आई कैन हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट इफ द uses of credit card is there the functionality will be different uses of debit card is there functionality is different the uses of net banking is there the functionalities are different but i don't care that taken that will be taken care by the those teams and i will go for this bridge composite of course i will go for their detail once we start with the independent or individual design patterns video right बिहेवियर दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर डिजाइन पैटर्न आइटरेटर कमांड इंटरप्रेटर मीडिएटर मोमेंटो स्टेट स्ट्रेटजी टेम्पलेट नल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ओके अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइटरेटर आपने सब ने अगर आपने जावा यूज किया है फोर एक लूप होता है जो दो तरीके से होता है अगर हम बात करें इस फोर लूप की ओके नो नीड ऑफ या देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आइटरेटर बट इफ आई गो फॉर दिस for I am making the use of Java, right? अगर हम ये वाले इस लूप की बात करते हैं right? ये लूप कैसे चलता है इसके अंदर क्या कर रखा है हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और यहाँ पे क्या लिख दिया कलेक्शन का नाम am, मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कलेक्शन आई एम नॉट यूजिंग द एरे राइट तो कलेक्शन का नाम तो अगर हम जावा के एरे की बात कर रहे हैं और कुछ और लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हमें यही सेम कॉन्सेप्ट मिलते हैं और वहाँ पे हम स्कोर को बोलते हैं फॉर ईच राइट इसमें क्या है स्टार्टिंग विद ए राइट अगर मैं बोलूँ का पहला डाटा आई में स्टोर हो जाएगा इट विल गो इन साइड दिस वैल्यू लिख देगा वन फिर क्या होगा आइट्रेटर इंटरनली इट मेक द यूज ऑफ आइट्रेटर आइटरेटर विल मेक द यूज ऑफ आइट्रेटर विल बी यूज हेयर तो क्या करेगा ये अगला डाटा फिर आई में डाल देगा आई अगला डाटा प्रिंट हो जाएगा ऐसे करके सारे डाटा प्रिंट हो, प्रिंट हो जाएंगे जैसे ही इसका आखिर डाटा प्रिंट हो गया तो उसके बाद क्या करेगा द लूप विल बी ब्रोकन राइट अब ये आई इंटीजर का कलेक्शन था तो इट वाज वर्किंग कैरेक्टर का कलेक्शन है यहां पे कैरेक्टर होना चाहिए अगर ये किसी क्लास का कलेक्शन है क्लास के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए क्लास का नाम ये पॉसिबल है क्यों इट जावा मेक द यूज ऑफ Iterator design pattern for the collection framework. Of course, I will go for its detail as well, right? So this is all about the what part of the design pattern, right? I will go for uh, their detail one by one. Of course, I will implement them in one of the object-oriented programming languages, that is Java, uh, using Eclipse. So please. Provide your feedback in case you want, in case you like this, right? Thank you. Friends, aaj hum karenge Singleton Design Pattern, right? Singleton Design Pattern और इसको implement करेंगे Java में। लेकिन Java में implement करेंगे तो हमें कुछ basic भी क्लियर होंगे इसमें लेकिन सबसे पहले लेट्स गो फॉर द सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न राइट यू कैन सी दिस एज द सिंगल्टन पैटर्न इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न इन जावा राइट अगर हम बोलेंगे सबसे आसान वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न है दिस टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर क्रिएशनल येस वी ऑल नो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डिजाइन पैटर्न क्रिएशनल स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल राइट so this is the one that comes under the creational pattern right as this pattern provides one of the best ways to create an object of course this is the design pattern that help us to create an object what the feature of that object is that are this pattern involves a single class which is responsible to create an object while making sure that only single object this one राइट सो दिस इज द डिजाइन पैटर्न क्रिएशनली नेचर क्रिएशनल दिस इज द डिजाइन पैटर्न जिसको हम क्रिएशनल कैटेगरी में डालते हैं क्यों डालते हैं ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और क्या करता है ये इट एंड कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो राइट right? और इसके बनाने के लिए हमारे पास क्या है सिंगल क्लास यूज होती है दैट्स वाई वी से दिसंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न कि एक ही क्लास में हम ऐसे फीचर देते हैं कि जब भी हम उसको यूज करेंगे ऑफ कोर्स यूज करने के लिए हमें एक और क्लास चाहिए राइट right? लेकिन इस डिजाइन पैटर्न को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास राइट right? और हम उस क्लास के अंदर हमें क्या क्या करना है ऑफ कोर्स वी हैव टू गो फॉर दैट एज वेल सो वी कैन से हाउ वी हैव वी कैन गो फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन वी मस्ट लर्न दीज कॉन्सेप्ट अफकोर्स फर्स्ट वन इज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट इट इन जावा राइट right? अगर हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं हमें सबको पता है कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज टोटली इन अपोजिशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर रीजन बींग इट इज प्राइवेट अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना है ऑफ कोर्स हम बहुत या मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है वो किसी ना किसी दूसरी क्लास से बनाते हैं राइट right. लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट हो गया तो हम दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते तो मतलब ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सीखना है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है इस डिज़ाइन पैटर्न में सेकेंड वी विल गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटिक वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट राइट क्यों जरूरी है सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए अगर हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो पब्लिक हो राइट पब्लिक फंक्शन ऑफ कोर्स अगर हम पब्लिक फंक्शन की बात करते हैं तो हमें स्टेटिक की तो कोई जरूरत ही नहीं है हम एक फंक्शन बनाएं और उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लें राइट right? जिसको अगर हम समझना चाहें तो हम कोशिश करते हैं समझने की यूजिंग दिस हमने क्या करा पब्लिक क्लास सिंगलटन क्लास एक सिंगलटन क्लास के नाम से क्लास बनाई जिसके अंदर हमने अगर हम थोड़ा और आगे चले तो हमने क्या करा एक एक सिंगलटन क्लास नाम से एक फंक्शन बनाया ऑफ कोर्स इसका नाम सेम एज द क्लास नेम है तो हम क्या बोलेंगे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया विच इज प्राइवेट इन नेचर अभी हमने कुछ नहीं लिखा ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि भैया मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं या कुछ और काम करना है तो वी कैन गो फॉर दैट लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा एक सिग्नेचर दे दिए किसके कंस्ट्रक्टर के ऑफ कोर्स दैट इज प्राइवेट इन नेचर बना दिया तो इसका यूज क्या है इस क्लास के बाहर अगर हम लोग अगर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जिसको हम समझ सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं

इस कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है कैसा कि भैया किसी दूसरी क्लास में जाके इसका ऑब्जेक्ट बना पाए राइट सो दिस एन कंस्ट्रक्टर तो बना लिया है ठीक है अब इसको यूज कैसे करें हम इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं hmm. फंक्शन yes, राइट right? और फंक्शन कैसा होगा एक पब्लिक फंक्शन अगर हम पब्लिक फंक्शन की बात करते हैं तो लेट्स क्या करा है दैट इज पब्लिक इन नेचर पब्लिक स्टैटिक लिव दिटैटिक ने छोड़ दो सिंगलटन क्लास गेट इंस्टांस राइट गेट इंस्टानस नाम का हमने फंक्शन मनाया है जिसका काम क्या है टू रिटर्न द स दैट इज क्रिएटेड राइट बाय दक्टर इट सेल्फ राइट और अगेन अब इंस्टांस की बात करें तो यह है क्या ये ऑब्जेक्ट है अफकोर्स प्राइवेट इन नेचर प्राइवेट है तो इस क्लास से बाहर यूज नहीं होगा इस क्लास से बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते तो हमने क्या करा इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शनलिटी दी जो सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है राइट right? और हमने स्टैटिक क्यों लगाया है क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट तो बनना ही नहीं इसका इस क्लास से बाहर इसका कोई हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे इस क्लास के किसी भी फंक्शन को अगर हमने बाहर यूज करना है तो हम क्लास नेम से यूज करना चाहेंगे और अगर हम क्लास नेम से यूज करना चाहेंगे तो हमारे पास यहां पे फीचर क्या होना चाहिए एक स्टैटिक का फीचर होना चाहिए और इंस्टांस को हमने स्टैटिक क्यों बनाया हम बात कर रहे हैं इसकी हमने इस इंस्टांस को स्टैटिक क्यों बनाया क्योंकि हमारे पास वो आइडिया है क्लियर है कि स्टैटिक फंक्शन कैन मेक द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज स्टैटिक फंक्शंस ओनली राइट तो हमने उसी के रीजन में हमने क्या करा यहां पे इसको भी स्टैटिक बनाया है और इसको भी स्टैटिक बनाया है राइट right? और इसको यूज करने के लिए हमने करा गया है इस क्लास में गए हम राइट right? हमने क्या करा सिंगल्टन क्लास ऑब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट वट दिस इज द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न यूजिंग दिस कॉल और यहां पे हमने क्या करा सिंगल्टन क्लास नाम से जो हमारी क्लास थी इसको यूज करके हमने गेट इंस्टांस फंक्शन को

रिटर्न नथिंग ऑफकोर्स दॉड इज द रिटर्न टाइप एंड इट इज़ पब्लिक इन नेचर दैट दैट मीन्स इसको हम क्या सकते इसको कर सकते हैं बाहर से इसको कॉल कर सकते हैं और इसमें मैसेज क्या लिखा है हेलो सिंगल्टन राइट और लेट्स uh, से अगर हम इसको यहां से अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहा है हमारे पास सिंगल्टन right so many hello singleton pattern so this function is complete this class is complete let us uh, go for this uh, execution of this class reason being there is no error uh, let us see what it returns yeah what its functionality is for this it is giving me the hello singleton pattern but how we will ensure that this is the only object that is going to be created using this फॉर दैट लेट सी हम इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट सॉरी एक और इंस्टांस और एक और रेफरेंस क्रिएट करते हैं कैसे करेंगे हम यस ऐसे और हम क्या करते हैं राइट right. उसी को ही हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट कराते हैं हम क्या मिल रहा है हेलो सिंगल्टन पैटर्न लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने सेम फंक्शन तो यूज किया है तो सेम फंक्शन लेट सी चलो अब हम क्या करते हैं राइट right. हम यहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लेते हैं इज इट पॉसिबल यस और दूसरा हम ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट करा लेते हैं तो जहां हमारे दो मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं तो वहां पे लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट जस्ट सी इसे क्या प्रिंट करा सिंगल्टन डॉट सिंगल्टन क्लास एट द रेट अ नंबर यहां पे भी ऐसा ही लिखा एट द रेट अ नंबर व्हाट इट इज It is a reference to what I can say. It is a reference of the same object that is going to be returned using these two, right? So can we say it is ensured that we are returning a, we are returning the same object? It is not creating any other additional object, right? So this is what how it ensure that there is only a single object. But what the problem in this is?

लेकिन उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सॉरी ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं राइट right? उसको समझने के लिए अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अलग करना पड़ेगा और उस अलग करने का मतलब क्या है हम उसको हम यहां से हटा देंगे पहली बात तो हम ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं क्रिएट करते हमने क्या करा यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टांस नाम का एक रेफरेंस क्रिएट करा और इस रेफरेंस uh, को हम यहां पे रिटर्न करने से पहले हम यहां पे कर लेते हैं इंस्टांस इक्वल टू न्यू वी आर इन द सेम क्लास सो वी कैन कॉल दिस कंस्ट्रक्टर राइट right? तो अब ये क्या है लेट्स सी क्या ये वही काम करता है जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था जस्ट सी नो अब यहां पे क्या हो गया यहां पे दो अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट हो गए उसके पीछे रीजन क्या है हां जी उसके पीछे रीजन क्या है आपने एक बनाया दूसरा बनाया अब उससे क्या हुआ आपने उन दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करा राइट राइट दिस कैन बी इन द दिस सिंपल एज वेल दिस कैन बी इन द मल्टी थ्रेडिंग एज वेल राइट इस चीज से बचने का तरीका क्या है हमारे पास तो हम क्या करेंगे विल गो टू दिस वन और हम यहां पे करेंगे क्या इफ instance equal to null ये तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे अदरवाइज ये उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही ना करे, ठीक है मतलब वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो वॉट द रिजल्ट वी गेट यस वी आर गेटिंग द सेम गेटिंग द रिजल्ट जहां पे हमारे पास क्या है एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है राइट right? तो उस चीज से बचने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं दिस वन इज दस वन राइट जिसमें हमने क्या करा भाई चेक करा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट तो नहीं हो गया अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है अगर वो नॉट नल है राइट right? तो क्या करना है उसको एज इट इज रिटर्न करना है अगर वो नल है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके बाद उसको रिटर्न करना है तो कैन आई से दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक और बेसिक ऑफ द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एंड ऑफ कोर्स हियर वी हैव लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड द यूज ऑफ देम एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक फंक्शन राइट टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन लर्न दिस एज वेल दिस इज द दूमेल डायग्राम फॉर द क्लास नेमिंग सिंगल ऑब्जेक्ट हैविंग एन इंस्टांस दैट इज माइनस मींस अ प्राइवेट वेरिएबल राइट ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट टाइप हैविंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड टू फंक्शनिक दैट्स वॉट वी हैव यूज इन दिस डिजाइन पैटर्न थैंक यू आज हम एक नया डिजाइन पैटर्न शुरू करते हैं दैट इज प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न राइट ये क्या है ये एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का एग्जांपल है राइट आई होप एवरीबडी रिमेंबर व्हाट अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न इज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न इज द डिजाइन पैटर्न और क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न इज अ कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट पैटर्न्स व्हिच आर यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स राइट अब ये क्या करता है ये एक पैटर्न है जो क्या करता है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है कहाँ पे जहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस इज द इशू राइट लेट्स रिपीट इट प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर क्रिएशनल पैटर्न एज द पैटर्न प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट अगेन इट इस क्रिएशनल राइट दिस पैटर्न रेफर टू क्रिएटिंग डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स वाइल कीपिंग परफॉर्मेंस इन माइंड

मतलब जहां पे हमें रिसोर्सेस इंक्लूडिंग टाइम एंड स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो वहां पे हम क्या हैं? करते हैं इस डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं राइट फॉर दिस टू हैपन वी मस्ट हैव द सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं राइट तो प्रोटाइप पैटर्न प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट टू अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन मॉडिफाई और यूज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जैसे हमें चाहिए उसको वैसे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं वी कैन गो फॉर द प्रोटाइप डिजाइन पैटर्न राइट इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए एबस्ट्रैक्ट क्लासेज की ऑफकोर्स हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं जावा में तो मैं जो बातें कर रहा हूं जो मैं प्री रिक विजिट की बात कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटाइप डिजाइन पैटर्न राइट तो वो जावा में ही है फर्स्ट ऑफ दैम इज द एबस्ट्रैक्ट क्लास

यू आर इट्स ओके इनकेस यू फील इट दैन प्लीज प्रोवाइड मी द मैसेज प्रोवाइड मी द फीडबैक विच ऑफ द कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट राइट इन सिंपल इन द सिंपल वर्ड्स आई कैन से कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क जहाँ पर क्या है बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं या ऐसा स्पेस जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रख रक सकते हैं जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है एरे राइट right? और ये सारे के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी अगेन फ्रॉम द आर एक्ल डॉट कॉम एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क जब हम इसे यूज़ करते हैं जावा में तो दिस इज द पैकेज और दिस इज़ द सब पैकेज जावा डॉट ड्यूटिल डॉट स्टार जावा डॉट ड्यूटिल इज अ पैकेज वेयर वी गेट ऑल दिज ऑल द क्लासेज और द इंटरफेस रिलेटेड टू द कलेक्शन फ्रेमवर्क राइट एंड एग्जाम्पल कैन बी द एरे लिस्ट एस्ट मैप लिंक लिस्ट and so on for the detail please go to go through this document right. so these are the three things which are prerequisite prerequisite to learn the implementation of prototype design pattern right अगर हम इसको implement करना चाहते हैं तो हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहली बात हमारे पास एक class होनी चाहिए which is abstract in nature right of course क्या है क्यों है we can discuss it later on that implements cloneable interface राइट right. तो मतलब एक ऐसी क्लास विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर ऑफ़ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है किस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट क्लास बोलते हैं राइट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू कैन व्यू इट राइट तो मैंने करा क्या है एक प्रोजेक्ट बनाया जावा का उसके अंदर एक पैकेज बनाया बाय द नेम प्रोटो और उसके अंदर एक क्लास बनाई शेप क्ट इन नेचर दैट इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल राइट उसके अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल है पब्लिक है प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है इट इज इमेटेरियल कुछ फंक्शंस हैं अगेन मोस्ट ऑफ दम आर पब्लिक इन नेचर कैन वी हैव प्राइवेट फंक्शन यस कैन वी है प्रोटेक्टेड फंक्शन यस वी कैन हैव राइट फंक्शन नेम्स आर गेट टाइप ऑफकोर्स वेरी सिंपल इट रिटर्न मेंबर वेरिएबल राइट सेकेंड गेट आई डी अगेन इट रिटर्न मेंबर वेरिएबल another one is the set id which take a parameter and initialize the member variable of the object or this class right so, one function that is this one abstract void draw this is the one function that is abstract that want us to create this function or this class to be an abstract one right if this is not there we can say this is a simple normal class क्स्ट वन इज द्ला रिक्वायरमेंट क्या है इट मस्ट इम्प्लीमेंट दलोनेबल इंटरफेस तो इसके लिए हमने क्या किया है इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने फीचर डाले हैं यहां से पब्लिक एब्सट्रैक्ट क्लास शेप ये तो था ही था इंप्लीमेंट कलोनेबल क्लोनेबल इज एन इंटरफेस राइट उसके अगर हम किसी इंटरफेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जो उसको इंटरफेस बनाता है एवरी इंटरफेस इंटरफेस और ऑल द द कंटेन इंटरफेसेशन ऑफ द फंक्शन इंप्लीमेंटेड एवर इज इंप्लीमेंटिंग इट राइट तो हमारे पास क्या है क्लोनेबल एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक फंक्शन है क्लोन जिसको हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा तो उसको हमने क्या करा है यहां पे हमने उसको डिफाइन किया है राइट right? और अगर मैं बोलूं ओवरराइड किया है राइट पब्लिक ऑब्जेक्ट यस इसका रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट आई आई होप एवरीबॉडी नोस जितनी भी हमारी क्लासेस हैं हैं जावा की क्लासेस उन बेस क्लास कौन सी है ऑब्जेक्ट क्लास राइट तो यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है राइट नेब ऑफ द फंक्शन इज क्लोन वी आर ओवर राइडिंग इट इनिशियली इट इज नल देन वॉट इट सेज ट्राई क्लोन इक्वल टू सुपर डॉट क्लोन राइट वट वी आर डूंगी आर कॉलिंग द क्लोन फंक्शन ऑफ द बेस क्लास इनकेस इट कैन क्लोन इट इट रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास इनकेस इट कैन नॉट क्लोन इट देन इट थ्रो द एक्सेप्शन दैट इज क्लोन नॉट स्पोर्टेड एक्सेप्शन राइट तो दिस इज द फंक्शन दैट प्रोवाइड द फीचर टू क्रिएट द क्लोन वंस दिस है इसने काम कर दिया तो हमारे पास क्या फीचर आता है या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या करेगा इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट अगर नहीं बना तो नल रिटर्न कर देगा तो दिस फंक्शनलिटी इज कंप्लीट ठीक है तो जो सबसे पहला काम है हमारा ये काम हो गया वन एबस्ट्रैक्ट क्लास दैट इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल इंटरफेस अगली चीज रिक्वायरमेंट हमारी क्या है मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस दैट यूज द एब्सट्रैक्ट क्लास जो हमने अभी ऑलरेडी क्रिएट की थी ठीक है हमने ऑलरेडी कौन सी क्लास क्रिएट की है दिस वन दिस वन दैट इज द शेप राइट तो अब हमें क्या करना है हमें कुछ क्लासेस बनानी है कॉन्क्रीट इन नेचर विच एक्सटेंड्स द फंक्शन सॉरी और द क्लास शेप राइट तो उसके लिए हमने करा गया है हमने एक क्लास बनाई है बाय द नेम रेक्टेंगल पब्लिक क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप आई होप सबको पता है अगर हमने इनहेरिटेंस करनी है क्लासेस में तो हम क्या हैं? का करते हैं एक्सटेंट की मेंबर वेरिएबल नॉट डिफाइंड नॉट डिक्लेयर बट इट इज कमिंग फ्रॉम द बेस क्लास राइट तो केस ऑफ दिस क्लास वी आर डिफाइनिंग टाइप इक्वल टू रेक्टेंगल राइट एंड देन वॉट वी आर वी आर

कोई अलग नहीं है सिर्फ टाइप को टाइप इक्वल टू स्क्वायर किया है इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्क्वायर क्लास और क्या किया है ड्रॉ फंक्शन की ओवर की है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की जगह स्क्वेयर यूज किया है ठीक है तीसरी क्लास हमने बनाई है सर्कल सर्कल में भी सब कुछ ऐसा ही है ठीक है जी तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एबस्ट्रैक्ट क्लास वाला सेकंड क्लास मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस यूजिंग द एबस्ट्रैक्ट क्लास आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट हमारा क्या है वी मस्ट है कलेक्शन ऑफ क्लोन्स और दैट मस्ट है कलेक्शन ऑफ क्लोन्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो इनका कलेक्शन हो इन क्लोन्स का जो इसके बेसिस बने इसके क्लोन बनेंगे क्या नहीं बन सकते रीजन बिंग इसका सॉरी क्लोन्स बन सकते हैं पर इसके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते अब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते क्लोन बन सकते प्लीज क्लियर इट ठीक है इन केस यू एवं विद प्रॉब्लम प्रोवाइड फीडबैक राइट वन क्लास दैट मस्ट यूज दिस और दैट मस्ट यूज अ कलेक्शन ऑफ द क्लोन्स अब हम उस क्लोन्स अगर हम कलेक्शन की बातें करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसके बारे में या इसका यूज करना पड़ेगा और इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है हमने यूज किया है हमने क्रिएट की है ये क्लास राइट right. जिसमें हमने क्या यूज किया है एक क्लास दैट इज फ्रॉम द कलेक्शन फ्रेमवर्क दैट इज दिस हैश टेबल राइट हमने इसको यूज किया है और इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हैश टेबल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर इट नीड टू फीचर इट इज अ जेनरिक क्लास विच नीड टू पैरामीटर वन इज वी हैव गिवन एज अ स्ट्रिंग अदर इज अ शेप राइट एंड इट इज प्राइवेट स्टैटिक्लीज गो फॉर इट्स डिटेल इन केस यू आर विद or प्लीज एक्सपेरिमेंट विद यूजिंग पब्लिक और विदाउट स्टैटिक राइट इफ इट case इट्स एनी प्रॉब्लम यू कैन give इट द क्वेरी टू मी राइट शेप मैप ठीक है जी हमने क्या बनाया है इस हैश टेबल क्लास का जेनरिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है शेप मैप जिसके अंदर हमने क्या करा है कंस्ट्रक्टर कॉल किया है अगेन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है जी तो हमारे पास क्या है एक शेप मैप नाम का एक कलेक्शन बन गया राइट राइट सो दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल उसके बाद हमने क्या करा है पब्लिक स्टैटिक शेप राइट चलो इसको हम थोड़ा बाद में बात करते हैं उससे पहले अगर हम एक बात कर करें हमारे हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने हमारी फंक्शनलिटी क्या दी है दिस वन हमने एक फंक्शन बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड लोड कैश हमने एक लोड कैश नाम का एक फंक्शन बनाया है राइट right? जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है पब्लिक स्टैटिक इज इन नेचर राइट तो इसके अंदर फंक्शनलिटी क्या दिया है? हमने एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सर्कल डॉट सेट आई डी जब हम हैश मैप की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट जहां पे हमारे पास क्या है कलेक्शन है राइट right. जिसके अंदर हमने क्या किया है वन वी हैव यूज फॉर सर्कल टू वी हैव यूज फॉर स्क्वेयर थ्री वी हैव यूज फॉर द रेक्टेंगल वन सर्कल टू स्क्वेयर थ्री रेक्टेंगल राइट right, तो हमने क्या करा है उस कलेक्शन के अंदर उस हैश मैप के अंदर ये तीन चीजें डिफाइन करी हैं राइट दिस वन और उसके बाद तो हमने क्या करा है इसको डिफाइन करने के बाद हमने क्या कर दिया है? इन ऑब्जेक्ट्स को शेप मैप जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमने क्या करा था स्टैटिक बनाया था उसके अंदर पुट कर दिया यूजिंग द डिफाइंड पुट फंक्शन ऑफ द हैश मैप क्लास shape map dot put circle dot get id this will give 1 comma circle. So, this will get populated with the 1 circle. Then what we are doing? We are creating uh, the object of square type of course, setting its id as 2 then putting this into the collection framework that is shape map. राइटर राइट राइट देन वी आर क्रिएटिंग अदर वन दैट इज अरेक्ट एंगल एंड इनिशियलाइजिंग इट आई डी एज थ्री एंड पुटिंग इट इन दैश मैप एज वेल सो दिस इज पॉपुलेटेड हमने क्या कर दिया है शेप मैप में तीन ऑब्जेक्ट डाल दी हैं जिनकी आईडी भी है और उनका शेप भी है ठीक है दिस वन इज क्लियर चलो अब हम अगले फंक्शन अगली क्लास में जाते हैं च मेक द यूज ऑफ द डिजाइन पैटर्न क्रिएटेड यूजिंग दिस फाइव क्लासेस ठीक है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है पब्लिक स्टेटिंग वॉइड मेन हमने उसमें क्या किया है शेप मैप राइट जस्ट वेट शेप मैप नहीं हमने क्या किया है शेप कैश डोट शेप कैश डॉट लॉर्ड कैश अब लोड कैश कौन है ये फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया है उसके बाद क्या है आपने यूज कैसे किया है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आपने शेप कैश यूज किया है एंड वॉट दिस कैसे इट इज नेम ऑफ द क्लास राइट एंड कोर्स उसके इसके इस फंक्शन uh, के सिग्नेचर में स्टैटिक लिखा हुआ है तो दिस कैन बी विद क्लास डायरेक्टली नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट तो हमने क्या करा शेप कैश डॉट लोड कैश तो हमने क्या करा इसको यूज करके हमने कैशे को भर दिया उसके बाद हमने क्या, क्या करा उस कैशे में से बेस्ड ऑन दिस आईडीज वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग जब हम शेप कैश डॉट गेट शेप वन कर रहे हैं राइट right. तो आपको उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लेट्स गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेट शेप एज वेल और ये गेट शेप कहां पे मिलेगा हमें शेप कैशे में और शेप कैशे में अगर गेट शेप मिलेगा तो कैसा फंक्शन होना चाहिए ये भी स्टैटिक होना चाहिए इट मस्ट नॉट बी द ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शन इट इज अ क्लास लेवल फंक्शन तो लेट्स गो फॉर दिस शेप कैश और यह हम कर चुके हैं दिस इज द गैट शेप फंक्शन इसका काम क्या है बेस्ड अपॉन दिस शेप आई It is returning shape map dot get shape id. What it is uh, returning? It will return the object. And what object it will return? Of course, of the same type, right? Cached shape, right? And what this cached shape is? It is a variable you have created of shape type. So, what I can say? it is returning the object of its clone. right? once it is returning it, then what we are doing, return shape. we are doing cast shape dot clone and typecasting it with the shape itself. cast shape dot clone. what it uh, will give us? it will give us the object that uh, we are with. right? cast uh, shape. Is this one dot clone? We are getting clone from here only, and uh, clone is this function. In case that class provides the feature to cloning, it will create the clone. Of course, using this, otherwise it will return the null. Right. So I hope this point is clear. What once we get this uh, object, then we are doing type casting of that with the shape and returning that object to the calling one and who the calling one is, this one, right. Shape, uh, shape cache dot get shape one will return the object that contains the content related to one. Of course, one and circle, once it is returned, it is coming to the cloned shape and then what you are doing, cloned shape dot get type so that will be printed similarly we are, we are doing all this let us see in case we will execute it what the result is for the execution click on this green right this is the object this sorry this is the result now let us see if i you might be understanding you might be fe feeling that this is the already created result but now एड सम टू दिस एंड गिव द नेम एज दिस वन एंड आई विल गोर दिस वन राइट तो वट आई एम डूइंग आई एम क्रिएटिंग अ शेप द ऑब्जेक्ट ऑफ शेप टाइप नेम्ड क्लोन्ड शेप टू और यहाँ पे हमने क्या करा है क्लोन्ड शेप ट्वेंटी वन राइट right. टू में और ट्वेंटी वन में हमने दो डाला है तो दो के अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा बट एवर द शेप इज शेप क्या है हमारी दो के अगेंस्ट स्क्वायर राइट तो हमारे पास यहां पे रिजल्ट में क्या आएगा सर्कल स्क्वेयर रेक्टेंगल एंड अगेन अ स्क्वायर ठीक है नाउ लेट सी वट वी आर गेटिंग ओके इट वॉन्ट यू टू सेव इट फर्स्ट राइट तो अगेन I hope uh, yes, the result is the required circle, square, rectangle, and again a square. But how it is uh, saving the time? You can discuss, you can get it from the net itself. How it is saving the time and space, right? For its detail, you can wait for my next videos. Thank you. We are going to discuss the concept of another design pattern that is a factory design factor, pattern, right. So, in here we will learn first the basic of the factory design pattern, then we will go for why we have to go for the factory design pattern. That means, can we do the same job in case we do not know the factory design pattern? In case if we know the factory design pattern, what will be the advantage of using it? Of course, I will try to implement that with the help of an example in Java, right? Then I will go for the discussion about the advantage of the factory design pattern, right? So, very first thing the basics of the factory design pattern, what are the basics? this is one of the most used design pattern in real world applications right if i say this is the design pattern that is used in most of the framework I, the framework can be in uh, java it can be in the javascript it can be in the python if i go for the java i will go for the spring spring boot if i go for javascript i will go for the angular i will go for the react right and if i go for the python i will think of the zango right that is why we have to learn the factory design pattern second it comes in the category of creational design pattern right from the past experiences we know what the creational design pattern is or we know how many type of uh, design patterns or in how many categories we divide the design patterns you can go for its detail from my previous video but here i am going for the factory design pattern it is in the category of creational design pattern that is it is used to create the objects right another factory design pattern creates object without exposing so creational create the object so what the advantage of this is it creates the object without exposing the creational logic to the client who the client is whoever is going to make the use of uh, this class or this design pattern is the client right so let's uh, think of it without making the use of factory design pattern in case we don't know factory design pattern, what's the way to implement it? First, I will create the class one, uh, clarifying with the help of the product one, product two, and then that will be used by the user. The example is this: Let's say we have created a class named uh, named square, having a class square, having a function that is void draw. Of course, you can write any functionalities for uh, simplicity, I have written just system.out.println. On the same concept, I am with another class named rectangle and the rectangle 2, I am with the function draw. So, product 1, product 2, I have created. Next what I have to do? I have to go for the client and what the client do for this? It create the reference of the square class. Create its object, it create the reference of the rectangle class and create its object. And using the object, it create it call the function draw. So, for both the object, I am using the same reference. In Java, please do not write like this, either write this statement or write this statement, but this statement is common, right? Reason being the name of the function that is draw is there in the both the classes.

One function that is draw. Next हम implement करेंगे इसी interface को इनक in class square right सबको पता है how to create a class in Java that implement the interface using the implement keyword हमने क्या करा इसके अंदर एक function जो हमारे पास shape में था right उसी को क्या कर दिया रीडिफाइन कर दिया ओवर राइड कर दिया राइट विद द सेम फंक्शनलिटी ऑन सिमिलर पैटर्न आई हैव क्रिएटेड अ रेक्टेंगल क्लास जो इंप्लीमेंट कर रही है शेप को और उसमें भी हमने वही ड्रा वाला फंक्शन लिख दिया देन अब यूज कैसे करेंगे इसको दिस इज द वे जिसमें हमने क्या करा मेन डिफाइन करा शेप क्लास uh, का एक रेफरेंस क्रिएट करा वी नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेसिस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज तो वट वी हैव डन हमने क्रिएट करे हैं दो ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स ओ बीजे ओ बी जे ऑफ द रेफरेंस सॉरी ऑफ द शेप टाइप देन वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्र ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल सो द वे इज सेम इन द फर्स्ट केस वट आर यू आर यूजिंग वी आर क्रिएटिंग द स्क्यर एंड रेक्टेंगल टू डिफरेंट क्लासेज बट इन दिस केस वट वी हैव डन वी हैव क्रिएटेड अ न्यू इंटरफेस Having the function draw, and then what we have done? We have implemented two classes. But in both these cases, what we are doing? We are creating the object, right? right? We are creating the object using the constructor of the products that is uh, either square or rectangle if i go for do you think it is a good design but if i says we all know the coding only we don't know anything about the design but let's say in case if i go for this question is it a good design just read it and find it out or if i read it for you as you must have observed in both the examples the client creates the object of either square or rectangle क्टर तो हमने दोनों ही एग्जाम्पल में क्या करा है स्क्र या रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट उसके बाद हमने क्या करा है लेट्स से आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू क्लास नेम्ड ट्रैंगल मैंने एक नई क्लास बनाता हूं तो क्या मैं स्क्वेयर रेक्टेंगल ट्रैंगल बना सकता हूं ऑफकोर्स बना सकता हूं लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूं कि मैं उसी क्लास को यूज करके क्लाइंट में उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसका जो कंस्ट्रक्टर है आई हैव टू एक्सपोज दिस टू द मेन दैट मीन्स जो मेन है उसको उसका कंस्ट्रक्टर पता होना चाहिए ठीक है बिना उसको पता किए वो काम नहीं कर सकता जब तक उसे कंस्ट्रक्टर्स नहीं पता राइट दैट्स वाई वी से इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइन सो द सोल्यूशन इज फैक्ट्री डिजाइन ठीक है जी आई थिंक दिस इज क्लियर कि अगर हम फैक्ट्री डिज़ाइन नहीं करते

any of the solution so the developer need to create another class having all the functions or functionality again is this a good design matlab agar main bolta hu agar mere ko ek project banana hai jisme mere paas payment ka tarika kya hai let's say i want to make the payment using the net banking net banking mein kya hoga bhai cash check uh, sorry पहले net banking से user id password लेगा उसके बाद check करेगा cash है नहीं है उसके बाद uh, OTP generate होगा एक proper way है ठीक है बट अगर मैं सेम सीक्वेंस अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट इनिशियली जब मेरा प्रोजेक्ट था तो मैंने ये ऑप्शन यूज किया अब मैं क्या करता हूं एक नया तरीका ऐड करता हूं पेमेंट करने का दैट इज यूजिंग द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो मुझे क्या करना पड़ेगा सारी फंक्शनलिटी वहां पर लिखनी पड़ेगी और मुझे क्या करना पड़ेगा एक इफल्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इंटरचेंजेबली डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट स्विच करूं लेकिन अब यहां पर क्या है कैन आई यूज द डिजाइन पैटर्न अगर मुझे डिजाइन पैटर्न यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में एक यूजर के बीच में एक क्या करना पड़ेगा पड़ेगा क्लाइंट क्लाइंट लगाना यूज़र कौन कौन है कौन है मेन एक एडिशनल क्लास ऑफ कोर्स जो हमें क्या प्रोवाइड करती है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न या फैक्ट्री मैथड्स प्रोवाइड करती है राइट right. अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमने एक क्लास फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर क्या करा एक

ठीक है तो जहां पे मेन होगा जहां पे मेन होगा तो मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का यूज करना है और फैक्ट्री के भी किसका स्टैटिक मेथड का जो था क्रिएट क्लाइंट जिसमें मैंने वन पास किया तो इट इज गिविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ कोर्स स्क्वेर टू पास किया तो इट इज गिविंग द रेक्टेंगल अगर मैं थ्री पास करूंगा तो ऑफकोर्स इट विल गिव मी द ट्राइंगल न्यूली क्रिएटेड क्लास और उसके बाद में क्या करूंगा ऑब्जेक्ट डोट ड्रॉ अब मैं जिसके साथ भी जो भी मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आई डोंट नो इट्स बींग मेन बींग यूजर आई डोट नो द कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी ऑफ द क्लास राइट सो वट एवर आई एम पासिंग वट एवर द पैरामीटर आई एम पासिंग इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर एंड आफ्टर दैट इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर मी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास एंड ऑफकोर्स दिस ड्रॉ विल वर्क विद दैट ऑब्जेक्ट नाउ लेट्स गो फॉर इट्स एडवांटेज वट आर द एडवाटेज ऑफ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न वेरी फर्स्ट एडवांटेज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड्स अप्रोच टू कोड फॉर इंटरफेस रादर दैन इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स जो हमारी पहली अप्रोच थी जिससे मैंने क्या कर रहा हूँ दो क्लासेज बनाइए और उनके ऑब्जेक्ट बना लिए उसे थोड़ा आगे चलता है क्या करता है इट प्रोवाइड द अप्रोच टू कोड फॉर इंटरफेस जो हमारा दूसरा ऑप्शन दूसरा तरीका था उसको यूज करता है ये ठीक है तो क्या करता है एक इंटरफेस बनवाता है और उसके आगे दो इंप्लीमेंटेशन करवाता है दो तीन जितनी भी हमें क्लासेस बनानी है देन फैक्ट्री पैटर्न रिमूव द इंस्टेंशिएशन ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस फ्रॉम क्लाइंट कोड मेन में हमें क्या करना है कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना हमें क्या करना है मीडिएटर जिसको हम क्या बोल सकते हैं फैक्ट्री फैक्ट्री पैटर्न राइट जिससे क्या होता है इट बिकम इट्स इट्स कपलिंग बिकम लेस एंड इट इज इजी टू एक्सटेंड फॉर एग्जांपल, वी कैन इजीली चेंज स्क्वेयर रेक्टेंगल क्लास इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज क्लाइंट प्रॉब्लम इज अन अवेयर ऑफ दिस मतलब हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी में कुछ भी एड करें मान लो पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन था डॉट uh, हमने एक ही फंक्शन कॉल की, function, की थी, dot dot printl, हमने तीन चार पांच लाइन ऑफ कोड हमने लिख फैक्ट्री पैटर्न प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन इंप्लीमेंटेशन एंड क्लाइंट क्लास थ्रू इनहेरिटेंस राइट आई होप एवरीबडी नो द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस दैट इन केस वी आर गोइंग फॉर Factory pattern, it provides abstraction between implementation and client classes through inheritance. I think it is just a repetition of the very first point, right? That is all from my side. For this, for the implementation of this, you can go for, you can wait for the next video where I will try to implement this in Java. Thank you. friends in this video i am going to discuss with you again a new design pattern that is feket feket design pattern right and for this let's check out the real life scenario real world scenario right so in case of real world scenario if i say i want to purchase something online how i can purchase it Of course, in case of e-commerce website E commerce website interface, or let us say, let us go some time back where I make an order using my phone. So, I will make a call to the operator only, or the telephone operator only, or I am making the interaction with the UI only, right? To make a request to the company for the purchase, then what happens?

there can be the warehouse there can be the packaging there can be the delivery there can be the uh, payment process there can be the supplier who are supplying the material and the taxes can be there the department that take care of all the taxes that we are paying to the company that can be the sales tax that can be the uh, excise or something else all the taxes that can be there right so in case we are interacting with the operator we don't care about this this is a real-world scenario, right? In case we want to provide this functionality in our software, right? We have to think of some design pattern. The Facade design pattern is there, right? Let's go for a little bit of additional things, right? Imagine that you want, you must make your code work with a broad set of objects that belong to a sophisticated library or framework. Thieke? हमें क्या करना है हमें एक ऐसा कोड बनाना है जो क्या करते करे बैक एंड में हम हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी परचेज की है या कोई हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो उसको ऊपर हमने क्या करना है एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है मेक द थिंग्स सिंपल ठीक है अगर हम वो सिंपल नहीं करते तो तरीका क्या है हमारे पास ऑर्डिनरली यू वीड नीड टू इनिशियलाइज ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेंगे राइट कीप दर ट्रैक ऑफ देयर डिपेंडेंसिस उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है पहले कौन सा काम करता है दूसरा फिर कौन सा काम करता है देयर कॉन्टीन्यूटी एंड एग्जीक्यूट द मैथड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सो ऑन इन केस वी डू नॉट डू दिस देन व्हाट हैपन्स द प्रॉब्लम कैन बी देयर फॉर एग्जाम्पल लेट्स ए लेट्स गो फॉर अनदर सिनेरियो दैट इज़ दिनेरियो ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ए टी एम मशीन और गेटिंग द मिनी स्टेटमेंट फ्रॉम द ए टी एम मशीन वट द वे इज लेटर ऑन वट यू वॉन्ट आई वॉन्ट टू एड अ न्यू फीचर टू द ए टी एम मशीन सबसे पहले मेरा काम क्या है सबसे पहले मैं अपना एक कार्ड लगाऊंगा इफ द कार्ड इज वैलिड इट विल अलाउ मी टू एंटर माई ओ टी पी और दिन राइट वंस पिन इज वैलिटेड इट गिव मी द एक्सेस टू द मेन्यू वेयर आई कैन प्रोवाइड माई

इट चेक इट आउट एंड इट थ्रो इट आउट कि नहीं भैया इट इस नॉट अ वैलिड कार्ड सेकेंड अगर वो वैलिड है तो इट टेक माई पिन एंड इफ द पिन इज एक्सेप्टेड दैन इट अलाउ मी टू गो फॉर द स्क्रीन अदरवाइज नो अगर मुझे कोई नया फीचर डालना है तो ये दोनों काम तो सेम है ना ठीक है नया काम क्या है मुझे ए टी एम मशीन से अपना बिजली का बिल जमा कराना है या मुझे कोई बिल जमा कराना है ठीक है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ों कॉमन है अगर मैं एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मुझे पहले ये दोनों कॉल करने पड़ेंगे और उसके बाद अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड देन आई कैन गो फॉर द रिमेनिंग पार्ट राइट तो इस सारे को करने के लिए या तो मुझे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए दूसरा क्या है मेरे को फंक्शन का पता हो और मैं क्या करूँ एक नया फंक्शन बनाऊँ या एक नई क्लास बनाऊँ विच टेक टेक केयर ऑफ द बिलिंग सिस्टम ठीक है दैट्स वॉट द प्रॉब्लम इज एज रिजल्ट द बिजनेस लॉजिक ऑफ योर क्लास वुड बिकम टाइटली कपल्ड अगर ये सारा कुछ आप बना देते हो मतलब अगर आपने तीन फंक्शन बना दिए और इकट्ठे कर दिए तो क्या होगा द कप द कपलिंग विल बी हाई एंड वी ऑल नो इन केस यू वॉन्ट टू मेक अ रीयूजल सॉफ्टवेयर द कपलिंग मस्ट बी लिस्ड एज लिस्ट एज पॉसिबल सो दैट इट कैन बी रीयूज राइट एंड फॉर दिस द दोल्यूशन इज ड इज अ क्लास दैट प्रोवाइड अ सिंपल इंटरफेस तो फेकेड है क्या हम फेकेड डिजाइन पैटर्न की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम एक फेकेड डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं तो वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल इंटरफेस ठीक है टू कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स लॉर्ड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स अब मैं ए मशीन की बात कर रहा था तो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स क्या है वी आर नॉट टॉकिंग द हार्डवेयर राइट right, तो जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शन है वी कैन कॉल देम एज द मूविंग पार्ट जो जो फंक्शन हमें क्या कर रहा है हमारे कार्ड को वैलिडेट कर रहा है जो फंक्शन हमारे पिन को वैलिडेट कर रहा है वी कैन कॉल दैम एज द मूविंग पार्ट अ माइट प्रोवाइड लिमिटेड फंक्शनैलिटी इन कम्पेरिजन टू वर्किंग विद द सब सिस्टम्स डायरेक्टली हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम है हम क्या कर रहे हैं हम एक फेकेड डिज़ाइन कर रहे हैं हम एक फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है एडिशनल फंक्शनैलिटी देनी है राइट यूजिंग द बेसिक फंक्शंस विच आर ऑलरेडी देयर प्लस सम एडी एड ऑन फंक्शन राइट तो अब हमारे पास क्या है हमारा जो फैकेट है दैट विल प्रोवाइड सिंगल या सिंगल फंक्शन एलिटी नॉट द ऑल राइट हाउ एवर इट इंक्लूड ओनली दोचर दैट क्लाइंट रियली केयर अबाउट अभी हमारे सिस्टम में हमें क्या चाहिए अरे यार बिलिंग सिस्टम चाहिए हमें तो हमारा जो बिल पे हो जाए बस उसका सिस्टम प्रोवाइड करो ठीक है तो इट इंक्लूड्स ओनली दो फीचर दैट क्लाइंट रियली केयर अबाउट हमारे को जो या हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए भैया बाकी सब कुछ तो हो रहा है तो उनके लिए फेकेट या लाइब्रेरी आर देयर इंटरफेसिस आर देयर वी वॉन्ट टू इंटीग्रेट या वी वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम दैट टेक केयर अबाउट अवर द बिलिंग सिस्टम राइट नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट

मतलब ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है पीछे के सारे के सारे फंक्शन चाहे वो लाइब्रेरी से आ रहे हैं चाहे वो थर्ड पार्टी से आ रहे हैं उनको सारों को क्या कर देता है इट हाइड्स फ्रॉम द यूजर राइट डोंट से इट इज एंड यूजर राइट आई विल टेल यू हूम आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजर राइट यूजिंग इज द क्लाइंट कैन एक्सेस एक्सर सिस्टम दिस टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर द स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न प्रायर टू दिस प्रायर टू दिस वीडियो वी हैव डिस्कस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न फर्स्ट इज क्रिएशनल सेकेंड इज स्ट्रक्चरल थर्ड इज बिहेवियरल राइट दिस डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न एज दिस पैटर्न एज एन इंटरफेस टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या कर रहा है पुराना सिस्टम बड़ा हुआ है उसके अंदर एक नई चीज या एक नया इंटरफेस क्रिएट कर रहा है ठीक है uh,

Or we can develop this using this example. For this, what I will say? This big block give us the view of a library. That means this is a library that is already created by the third party. This is the client, the reason being main that is going to make the use of this, right? On the top of this library, what I want, I want to make the thing simple. So, for that I am going to create this class. Of course, this class will behave like the interface, or I will call this class as the sorry, I will call, call this class as a facket, right. And for working with this, let us develop it using Eclipse. Or if I say, what do you have to create for this? First, create this uh, shape interface having one function draw. Just see, this is a public interface named Shape, having a single function that is draw. We can have multiple functions, right? For the understanding purpose, I am going to make the things as simple as possible. Later on, we can create the fake related to the complex problems, right? So this uh, first point is clear. This one I have created. Next, we create, will create the three concrete classes named circle, rectangle, and square. What their job is? Just to override the draw function as well as to provide the functionality for the draw function. This one is clear. This one has a circle having the definition or the functionality for the draw function. This is a rectangle having the functionality for the draw function and the square, right. Any doubt till this, you can provide me as a message, so that I can resolve it. So, I have created this, so uh, what I am assuming, this is a library. On the top of this what I want, I want to create a class, I want to create an interface which provide the functionality of, which collect the functionality of all of these, right. And having the name as shape maker having three member variables and some member functions as well as a constructor right 1 2 3 4 these are classes are clear next let's go for the shape maker shape maker class contain three references named circle rectangle and square of shape type right and they all will contain the circle will contain the object of circle, the rectangle will contain the object of rectangle. Of course, they are the concrete classes, square will contain the object of the square class. Of course, that, that is also one of the concrete classes, and that all this all is done in the constructor of the class that is shape maker. Next, what I have done? I have created the public function, or I have created the three interfaces.

और फिर मैंने क्या किया एक फंक्शन डिफाइन किया ड्रॉ सर्कल जिसमें सर्कल डॉट ड्रॉ सर्कल कौन सा ये वाला नहीं है ये वाला है सर्कल इज अ ऑफ टाइप शेप सर्कल इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप शेप हैविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास सेम इज विद रेक्टेंगल विद सो दिस इज द फैक्टेड आई हैव क्रिएटेड नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द क्लाइंट वट इट्स जॉब इज वॉट दिस इज डूइंग इट इज जस्ट मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द That is a shape maker with the help of the uh, shape maker class itself using the constructor. Its constructor consists of the definition of the three shapes named circle, rectangle and square and so, the, all these are initialized. Then what it is doing? Facade, that is shape maker dot. Draw circle, dot, draw rectangle, dot, draw square, and what these are? These are the methods of the FECAD only. Internally, what they are going to do? They are going to make the call to the third party system or the framework system or the complex system that is provided by the third party. Right? Now, let us uh, try to execute it. What I am getting? circle draw draw rectangle draw square draw and from where i am getting this i am getting this from the draw of circle class draw of rectangle class and draw of square class right i think the packet is clear you will practically you will have a library following this structure, or the third party software following this structure, you will create this to use this, but not directly with the help of this, which is an interface. Because of this interface, what we are doing? We are uh, decreasing or we are removing this complexity from the end user, from the client, right? So, this is the uh, simplest example of the packet design pattern in case you are using this for your project it will remove the or it will decrease the complexity provided by the third party framework or library thank you